भेड़िया मूवी फाइनली थिएटर्स में लग चुकी है और मैंने उसको देख भी लिया है। वैसे मैं जब भी कोई पिक्चर वगैरह देखने जाता हूँ तो उसकी स्टोरी वगैरह मैं इंस्टा पर डालता रहता हूँ, इसलिए इंस्टा पे फॉलो कर लेना और वहाँ कर ही रहे हो तो ट्विटर पर भी कर लेना। हाँ, तो भेड़िया मूवी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तीसरी पिक्चर है, सबको पता ही होगा। इससे पहले इसी यूनिवर्स में दो फिल्में स्त्री और रूही आ चुकी है, जिनमें से स्त्री तो काफी बढ़िया थी लेकिन रूही ऐसी ही थी। पर भेड़िया कैसी है? देखो, ये पिक्चर बिलोंग तो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को करती है, बट हॉरर नहीं है इसमें। हॉरर वाली बात ही नहीं है पिक्चर में। मतलब ऐसा नहीं है कि पिक्चर आपको डराना चाह रही है और आप डर नहीं रहे हो। भाई, पिक्चर आपको डराने की कोशिश ही नहीं करती कुछ सीन्स के अलावा। इसी वजह से ये फिल्म पिछली दोनों फिल्मों से काफी अलग भी लगती है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें भी सिमिलर है, जो है कॉमेडी। I mean, इसकी कॉमेडी बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, पर सही है। काफी सारे सीन्स पर आपको हंसी नहीं आती, लेकिन कई सारे सीन्स ऐसे भी हैं जो आपको आराम से हंसा देंगे। पर अगर इन तीनों में ऐसा कॉमेडी को लेकर एक कंपैरिजन किया जाए तो कॉमेडी में मुझे अभी तक सबसे ज्यादा स्त्री ही पसंद है। चलो थोड़ी सी स्टोरी पर भी बात कर लें। तो भाई साहब, भेड़िया की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक आध दो ट्विस्ट तो है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी सिंपल ही है, जो कि आपको ट्रेलर से ही पता लग जाएगी। इसी वजह से मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी को हम अपने आप ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि भास्कर भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट मूवी में ऐसा थोड़ा सस्पेंस रखा गया है कि कोई जानवर लोगों को मार रहा है। अब वो कौन होगा, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हो। और हाँ, स्टोरी सिंपल होने की वजह से ही ये पिक्चर थोड़ी लंबी भी लगने लगती है। वैसे तो ये फिल्म है ही लंबी, 2.5 घंटे से ऊपर की है। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि पिक्चर में बस कमियां ही हैं, काफी सारी चीजें इसमें अच्छी भी हैं, जैसे VFX और CGI, उनके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक कमाल के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका मैं पर्सनली यूज करता हूँ और आप भी कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ फास्ट एंड अप की। अगर आप कोई एथलीट हो, फिटनेस फ्रीक हो, या फिर हमारी ही तरह एक आम इंसान हो, लेकिन यार हेल्दी तो हर कोई रहना चाहता है ना, और हेल्दी रहने में आपकी हेल्प करेगा फास्ट एंड अप, जो है इंडियाज फेवरेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ब्रांड। इनके पास प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन के साथ ही और भी बहुत सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। प्लस ये बहुत से फिटनेस एंथुजियास्ट, एथलीट्स एंड ट्रेनर्स के फेवरेट बने हुए हैं। फास्ट एंड अप के ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और अपने भेड़िया यानी कि वरुण धवन। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो यार, पिछले कुछ दिनों से मैं इनका ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं एंड मुझे ये पर्सनली काफी सही लगा। सबसे बढ़िया बात शायद आपको ये लगे कि यहां से आप 100% वीगन प्रोटीन खरीद सकते हो, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कह सकते हैं, जो कि ब्राउन राइस और येलो पीस के प्रोटीन से बने हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर आपको और भी काफी सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। फास्ट एंड अप की वेबसाइट पर ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। और मेरी लिंक से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर अगर आप कूपन कोड सिनेमेट10 का यूज करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए और खरीदिए। चलो वापस भेड़िया पर आते हैं। तो यार, जो चीज मुझे इस पिक्चर में सबसे ज्यादा बढ़िया लगी वो थे इसके विजुअल्स, मतलब VFX और CGI। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके VFX या CGI में गलतियां ही नहीं हैं। गलतियां तो हैं, कई जगह पर तो आपको भेड़िया बिल्कुल एनिमेटेड लगेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके विजुअल्स बेहतर होते जा रहे हैं। और एंड वाला सीन तो भाई बहुत ही खूबसूरत था। एंड में अगर विजुअल्स बहुत ज्यादा बेटर हो गए, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन सीन भी बहुत बढ़िया थे, बट एक कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब यार, पूरी पिक्चर देख ली पर ये गाने ही नहीं आया, हम स्त्री को देखने का इंतजार कर रहे थे। खैर चलो कोई नहीं। बाकी यार देखो, एक्टिंग तो मुझे सबकी ठीक ही लगी। वैसे भी इन 4-5 लोगों के अलावा पिक्चर में और था ही कौन। मैंने सोचा था कि जैसे स्त्री और रूही की एंडिंग में एक ट्विस्ट था, वैसा शायद इसमें भी हो। अब ट्विस्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ एंडिंग बहुत बढ़िया है। देखो मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट सीन की। भाई मजा आ गया यार, और इस बहाने हमें इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट का हिंट भी मिल गया। ओवरऑल बताऊं तो यार, पर्सनली मेरे को तो भेड़िया ठीक लगी। हाँ कुछ गलतियां हैं पिक्चर में, बट फिर भी पिक्चर देखने लायक है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है यार। हाँ पिक्चर की लेंथ जरूर थोड़ी कम हो सकती थी, पर नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस पिक्चर को आप आराम से देख सकते हो। ये अपने यूनिक कंटेंट के साथ आपको एंटरटेन ही करेगी। बाकी भाई, अब भेड़िया आ चुकी है प्लस फ्यूचर प्रोजेक्ट को भी हिंट कर दिया गया है, तो आई थिंक ये सही टाइम है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने का। तो वो वीडियो भी जल्द ही आ जाएगी, उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भेड़िया का बजट 60 करोड़ के आसपास है, बट फिर भी इसके विजुअल्स काफी बढ़िया है। लेकिन बड़ा बजट होते हुए भी कुछ फिल्मों के विजुअल्स अच्छे क्यों नहीं बन पाते, जानने के लिए सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। और भेड़िया आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। बाय।